बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ के साथ, मैं हूं नवीद बिलावल। सबसे पहले आपकी हेडलाइन। शहबाज तत्ला कत्ल केस, एसएसपी मुफ्खर अदील 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम का पुलिस को दिए गए बयान में कत्ल का एतराफ, कहा 2012 में शहबाज तत्ला ने उनकी साबिक बीवी से मुबैना तौर पर ज्यादती की, मौजूदा बीवी से भी ज्यादती की कोशिश पर कत्ल की मनसूबाबंदी। अफगान अमन मुआहदे पर अमल दरामद जारी, अफगान सदर अशरफ गनी ने 25 दिन में 1500 तालिबान कैदियों की रिहाई का हुक्म दे दिया। रोजाना 100 कैदी रिहा किए जाएंगे, 3500 कैदियों की रिहाई के लिए काबीना और जलमे खलीलजाद से मुजाकरात, इंट्रा अफगान मुजाकरात के लिए हुकूमती टीम तश्कील देने के लिए मुशावर। बेघर अफराद को जल्द घर मिलेगा, वज़ीर-ए-आज़म आज इस्लामाबाद में 20,000 घरों की तामीर के 7 मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। 6 मंसूबे फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन जबकि 1 मंसूबा पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन से मुतालिक है। मंसूबों की तामीर से हजारों बेघर पाकिस्तानियों को अपनी छत मिलेगी। पाकिस्तान में मजीद 3 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक, मरीजों की तादाद 19 हो गई। कराची और हैदराबाद के मुतासर शहरी ईरान से बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंचे। बलूचिस्तान का 12 साल बच्चा वालदैन के साथ ईरान से वापस आया। आलमी इदारा सेहत की जानिब से पाकिस्तान को 30 कोरोना टेस्टिंग किट्स फराहम कर दी गई हैं। कोरोना वायरस का खौफ, पीआईए मुलाजमीन ने बायोमेट्रिक हाजिरी से इनकार कर दिया। पीपल्स यूनिटी ऑफ पीआईए ने इंतजामिया को खत लिख दिया, खत में मुतालबा किया बायोमेट्रिक हाजिरी से जानलेवा वायरस फैलने का खदशा है, कम अज कम 1 माह के लिए इस्तिस्ना दिया जाए। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी, चीन में मजीद 22 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका में वायरस ने मजीद 31 अफराद की जान ले ली। वायरस ने इटली में मजीद 168 अफराद को मौत की वादी में धकेल दिया। ईरान में 54 अफराद लुक्मे अजल बन गए। जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल कहती हैं जर्मनी की 70% आबादी कोरोना से मुतासर होने का खदशा है। एफ्टाबाद में अफसोसनाक वाकया, बर्फानी तोदे तले दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी, पाक फौज के जवान भी शरीक। हादसे में 3 अफराद जां बहक, 15 से ज्यादा जख्मी हुए। शहर कायद में स्ट्रीट क्रिमिनल बेकाबू, गुलशन इकबाल में हाई रूफ में सवार डाकुओं की लूटमार, कार सवार खातून और ड्राइवर को लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आ गई। फैसलाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार डाकुओं को रोकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स 560 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 38,255 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। बारिशों का नया स्पेल, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में गरज बरस, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान और गलियात में बर्फबारी की पेशगोई, नदी नालों में तुगजानी और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा।